सो गाइज आज है संडे और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट करके। इस बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं किया बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, क्यों अन्य वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, मैंने वहां से ही क्वेश्चंस पिक कर लिए। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ भी पूछना है भाई कमेंट करो, सभी के क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे एक एक करके। तो अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर, बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। सबसे पहले आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप YouTube पर शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हो या फिर लॉन्ग वीडियोस या ओनली शॉर्ट्स बनाते हो, क्या बनाते हो बताओ मेरे को कमेंट करके, सभी भाई बताना। पहला क्वेश्चन पूछा है सेवन कलर गेमिंग, भाई का पहला क्वेश्चन है बेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ, आप लोगों का प्यार। मैंने इससे पहले ही बताया था कन्नाट प्लेस पर जो मीटअप हुआ था भाई, सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। भाई का अगला क्वेश्चन है आपने अपने चैनल का नाम कैसे सोचा। मैं झारखंड में जब स्टडी करता था एक कॉलेज में, तो हम हॉस्टल में रहते थे, वहां पे हम तीन दोस्त थे, तो मेरा नाम जुनेद है, तो वहां पे मेरे को जुन्नू जुन्नू बुलाते थे कि जुन्नू इधर आ जुन्नू इधर आ। तो मैंने सोचा कि यार टेक्निकल जुनेद को हटाकर मैं जुन्नू की टैग कर देता हूँ। लिटरली मेरे माइंड में ये आया और मैंने टेक्निकल जुनेद को हटाया, जुन्नू की टैग कर दिया एंड अचानक से चैनल एकदम से ग्रो हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है मारा कृष्ण, भाई अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो इंस्टा पर वीडियो कैसे बनाए अपनी आवाज को क्लियर करके। अगर आपकी आवाज ही क्लियर नहीं है, आप सही से बोल ही नहीं पाते, देखो भाई इसका तो सॉल्यूशन है नहीं। बट अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले तो वॉइस ओवर कर लीजिए फोन को यहाँ पे करके। आप अगर कोई भी शायरी रिकॉर्ड कर रहे हो पहले यहाँ पे करके रिकॉर्ड कर लो शायरी को, उसके बाद आप लिप सिंक कर सकते हो। और अगर आपका बजट है तो आप बोया BY-M1 माइक ले लो, बस आपका ऑडियो क्वालिटी एक नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है फैक्ट वेंशन, जुन्नू भाई यूट्यूब का फ्यूचर पर वीडियो बनाओ। मैं आपको बस एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप डिपेंड मत रहो कि बस यूट्यूब अब लाइफ टाइम चलता रहेगा, यूट्यूब ही मेरा बस इनकम सोर्स है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब के साथ साथ कोई अदर बिजनेस भी देखो। अगर आप यूट्यूब पर एक चैनल चला रहे हो दूसरा चैनल भी बना लो, आपको पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जॉब करते रहते हैं एंड यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। लिटरली आप ऐसा मत करो, इससे आपका ही लॉस होने वाला है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। अगला क्वेश्चन पूछा है रतिराम व्लॉग, भाई आप कौन सा माइक यूज करते हो जब आपने शुरुआत में चैनल चलाया था, आपने किस तरह चैनल चलाया, प्लीज कैमरे के सामने किस प्रकार से बोला। अगर आप मेरे ओल्ड वीडियोस देखोगे लिटरली आपको भी बहुत हंसी आएगी। और स्टार्टिंग में 100 से ज्यादा वीडियोस तो मैंने बिना माइक के बना दिए थे, मेरे पास एक छोटा सा स्मार्टफोन था उससे ही मैंने 100 से ज्यादा वीडियोस बना दिए थे बिना माइक के। देन मेरा थोड़ा सा बजट बना एक माइक लेने का, 700-750 रुपए का मैंने माइक लिया, उसके बाद ऑडियो क्वालिटी और बेहतर हो गया था। और अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप ट्राई करो, मिरर के सामने ट्राई करो, मैं भी ऐसे ही करता था। बाकी कैमरे को ओपन करो, कोई टॉपिक नहीं है तो नॉर्मली वीडियो शूट करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो कि चैनल कैसे बनाते हैं, गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। आपको कोई बोलना नहीं सिखा सकता, आप अपनी शर्म को खुद दूर कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आपको खुद अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। आपको कोई कितना भी समझा लेगा आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कैमरा ओपन करोगे वीडियो नहीं बना पाओगे। आप खुद से ट्राई करो, कैमरे को ओपन करो, कंटेंट नहीं है भाई, जरूरत नहीं है, बस वीडियो शूट करते रहो, ट्राई करते रहो, खुद आपको बोलना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इरशाद जमाली, भाई का क्वेश्चन है बड़े भाई मेरा सवाल यह है कि VPN की मदद से खुद की वीडियो को वॉच कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो मैंने आपकी वीडियो देखकर यह काम करना बंद कर दिया था, पर क्या मैं 24 आवर्स में एक बार VPN से वीडियो वॉच कर सकता हूं, प्लीज जवाब दो। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, YouTube के एल्गोरिथम को पता नहीं चलेगा। लेकिन आप ये बताओ कि आप YouTube के साथ गेम खेल रहे हो या किसके साथ, आप खुद के साथ गेम खेल रहे हो, खुद के साथ धोखा कर रहे हो, आप YouTube के साथ नहीं कर रहे हो, YouTube को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर YouTube के एल्गोरिदम ने पकड़ लिया तो आपका चैनल यार उड़ भी सकता है एक तरीके से, आप गलत तरीका यूज कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यार मत करो, आप वीडियोस खुद देखने के लिए बना रहे हो क्या, बताओ मेरे को, आप लोगों को वीडियोस दिखाना चाहते हो, वीडियो को इससे अच्छा शेयर कर दो। नेक्स्ट एमटी क्रिएशन, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई, फैक्ट शॉर्ट वीडियो पे कितने व्यू पे कितना पैसा मिलता है प्लीज रिप्लाई। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, बट फिर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दिया जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए, 10,000 व्यूज में मिलेगा, 20,000 व्यूज में मिलेगा, कितना डॉलर मिलेगा, मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट जुन्नू भाई ये बताओ, मुझे कमाने भी जाना पड़ता है 12 घंटे, बिकॉज माई फाइनेंशियल सिचुएशन इज लिटिल बैड एंड आई एम 20 ईयर ओल्ड, बट
दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल लाइक यू रिलेटेड टू यूट्यूब एंड टेक बट आई डोंट नो हाउ, प्लीज हेल्प मी जुन्नू भाई प्लीज। अगर आपको यूट्यूब टिप्स देने वाला चैनल ओपन करना है तो आप स्टार्टिंग में यूट्यूब की टिप्स मत दो। अगर आप यूट्यूब के बारे में जानते हो, एडिटिंग वगैरह जानते हो, थंबनेल बनाना जानते हो, मतलब यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है आप वो सिखा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में यूट्यूब टिप्स देना शुरू करोगे लोग आपकी वीडियो पर भी कमेंट करेंगे कि भाई तुम्हारे खुद तो व्यूज नहीं आते और लोगों को टिप्स दे रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले यूट्यूब से रिलेटेड कॉन्टेंट क्रिएट करो, उसके बाद आप यूट्यूब टिप्स दो। और अगर आपके पास 4 से 5 घंटे भी है ना YouTube पर काम करने के, 12 घंटे आप कमाने के लिए जाते हो, उसके बाद 2 से 3 घंटे आप YouTube को दो, आप दिल से मेहनत करो, वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करो, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट, जुन्नू भाई दूसरे की शॉर्ट्स को डाउनलोड करके अपना वॉइस डाल दो तो क्या चैनल मोनेटाइज होगा? यस होगा, बट आप सारी की सारी वीडियोस दूसरे की यूज मत करो, थोड़ा बहुत खुद से भी एफर्ट्स डालो, खुद का भी कुछ कंटेंट क्रिएट करो। सारी की सारी वीडियोस दूसरों की यूज करोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो आप थोड़ा सा खुद से क्रिएट करो। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो दूसरे के क्लिप्स भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट भाई, क्या मूवी एक्सप्लेन चैनल पर सिल्वर या गोल्डन प्ले बटन मिलता है और एक्सप्लेन चैनल के बारे में जानकारी दे सकते हो अर्जेंट? यूट्यूब पर एक चैनल है, वो क्या करती है कि मूवीज के रिव्यू करती है, तो आप उनकी ओल्ड वीडियोस जाकर देख सकते हो कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी थी एंड किस तरीके से वो मूवीज के रिव्यू करते हैं। वो सिर्फ फोटो यूज करती हैं, कोई कोई वीडियो यूज कर लेती है, तो आप उनकी वीडियोस देखोगे तो आपकी भी हेल्प होगी। वो किस तरीके से मूवीज एक्सप्लेन करती हैं, कोई भी मूवी आ रही है लाइक अभी ऋतिक रोशन की मूवी आई, आप पहले उसको देख लो उसके बाद एक्सप्लेन कर दो तो चलेगा आपका वीडियो। अगर आपको लाखों में व्यूज चाहिए और आपका मूवी एक्सप्लेन वाला चैनल है तो आप ट्रेंड में जो भी मूवीज है उनके बारे में एक्सप्लेन करो। अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो भाई डेफिनेटली आपको सिल्वर प्ले बटन भी मिलेगा, गोल्डन प्ले बटन भी मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन पूछे है फैन गैलरी, अगर 0 सब्सक्राइबर है तो पीसी लेना चाहिए या नहीं? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जो मोबाइल है आप उसी से करो एंड सब कुछ आप कर सकते हो। और अगर आपका बजट है, आपको पीसी में काम करने में मजा आता है, आपको लगता है कि हाँ ये पैसा चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ले सकते हो। बट अगर आपका बजट नहीं है तो जबरदस्ती घर वालों से मांग कर मत लो। अगला क्वेश्चन पूछा है वाईटी रोशन, जुन्नू भाई अगर तुमको दूसरे देश में रहने का चांस मिले तो क्या करोगे? प्लीज आंसर। लिटरली मैं नहीं रहूंगा, हाँ घूमने जा सकता हूँ बट रहना मेरे को इंडिया में ही है। नेक्स्ट, TCRYT कॉपीराइट क्लेम वीडियो आ गया तो चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं? प्लीज रिप्लाई मी चुन्नू सर। दिल टूटने वाले इमोजी, रोने वाले इमोजी, रिप्लाई नहीं दिया तो अनसब्सक्राइब कर देंगे, एंग्री इमोजी और धमकी दे रहे हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप कॉपीराइट क्लेम इजीली रिमूव भी कर सकते हो। आपने कोई ऐसा मटेरियल यूज कर लिया अपनी वीडियो में, आप वहां पे कुछ और म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, इजी है यार। बाय द वे कॉपीराइट क्लेम आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, स्ट्राइक से पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा है शानी व्लॉग्स, YouTube वीडियो के टाइटल में अदर फॉन्ट का यूज किया तो मेरा वीडियो YouTube सर्च में आएगा या नहीं? ब्रो जरूर बताना। अगर आपके पास एक्टिव व्यूअर्स हैं, आपको जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियो अपलोड होते ही लोग आपकी वीडियो को देखेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे। बट अगर आपका नया चैनल है, आप अदर फॉन्ट यूज कर रहे हो तो आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा भाई। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फालतू के फॉन्ट्स यूज करो और आपने अपने चैनल के नेम में भी यूज किया हुआ है, हटाओ यार इसको। अगला क्वेश्चन पूछा है राकेश, लव यू सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि मैं शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन अपडेट से पहले जो शॉर्ट्स डाल रहा था 1 जनवरी के बाद जब अपडेट लागू होगा पहले वाले वीडियोस के काउंट होंगे या नहीं? अगर आपको शॉर्ट्स फंड मिला हुआ है 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट होने के बाद तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है 2023 में जैसे ही अपडेट लागू होगा। बट अगर आपको शॉर्ट्स फंड नहीं मिला हुआ है तो आपको 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने ही पड़ेंगे अपडेट लागू होने के बाद। अगला क्वेश्चन पूछा है कायनात 2 क्रिएशन, भाई कल लाइव आए आप, बहुत मैसेज किए, आपने देखा नहीं बार बार मैसेज किया, बहुत बुरा लगता है। लिटरली मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी से बात करूं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, कोशिश करता हूँ मैं सभी का रिप्लाई करूं, बट यार आप लोग गुस्सा करते हो। आप खुद को मेरे प्लेस पर रख के देखो, मेरे से जितना होता है मैं उतने लोगों के चैनल चेक करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, बाकी मैं आज शाम में भी लाइव आ सकता हूँ। तो मिलते हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।